अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि यार HTML से हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे सबलाइम टेक्स हो गया, नोट पैड प्लस प्लस, ड्रीम वीवर, किसी भी सॉफ्टवेयर में कैसे टेबल ड्रा कर सकते हैं, कैसे टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप होपफुल के आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी, एंड तक आप देखेंगे। तो सबसे पहले एक एंगल ब्रैकेट लगा के इसका ले लिया जो मेन टैग वगैरह है। इसमें अब हम टाइटल इसमें दे देते हैं, जैसे टेबल के नाम से दे देते हैं। देन इसमें बॉडी में आएंगे तो बॉडी में एक टैग लेंगे टेबल के नाम से। देन इसमें एक लेंगे टेबल हेड। और अब हमें जो भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें पहले पता होता है कि इसकी कितनी रोज़ इतनी। अब मैंने जो डिज़ाइन करना है वो 4 रोज़ तक का डिज़ाइन करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि एशियन मॉल, सेव करता हूँ इसे और इसको रन करके देखते हैं। अब ये एक सिर्फ एक लाइन आ गई है एशियन मॉल की। इसी तरह यहाँ पे अब हम जिस टाइम लिखते हैं, यहाँ पे अब दे देते हैं इसकी कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, सॉरी इसको हम इसको कुछ वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि ये दे दी वैल्यू हमने इसको। देन अब सेव करते हैं और इसको अब रन करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए 4 रोज़ के बराबर इसने अपना कॉलम स्पैन करके मिड में आ चुका है। इसी तरह अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे एशियन मॉल हो चुका है तो यहाँ पे इसमें लिखना पड़ेगा कॉलम स्पैन हमने करना है, क्योंकि चलें आपको पहले एक यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, टेबल हेड की जगह टेबल रो का एक टैग लगता है। देन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद एक और टैग लगा है टेबल रो के नाम से, TR टेबल रो स्टैंड होता है इसका। यहाँ पे हम लेते हैं टेबल डाटा, TD टेबल डाटा अब आ जाएगा। इसमें हम ले लेते इसकी तीन, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, इसकी एक कॉपी लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आइटम नेम, अब इसकी कॉपी लेके यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी एंड कॉपी लेके अब इसका कर देते हैं अमाउंट। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे जिस टाइम हम इसको रन करेंगे, अब ये देखें यहाँ पे दरम्यान में ये एक साइड पे चला गया, जबकि पहले ये मिड में था, यहाँ पर था, अब ये एक साइड पे चला गया। अब इसको मिड में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, मैंने ये स्टेप इसलिए मिस कराया था ताकि आप बाद में देख सकें, कॉलम कॉल स्पैन करेंगे। अब हमने कितने कॉलम इसके स्पैन कराने हैं, यानी जुड़वाने हैं, तो हमारे पास जो बना हुआ है वो 1, 2, 3 एंड 4, 4 करने हैं, यानी यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 4 दे देनी है। सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। अब ये देखें ये उसी तरह वापस अपनी जगह आ गया है। इसी तरह अब हम यहाँ पे एक और लेते हैं टेबल रो के नाम से, और इसमें टेबल डाटा इनपुट कराते हैं, जिसमें डालते हैं सीरियल नंबर, डाल देते हैं 001। देन इसमें डाल देते हैं, इसमें आ जाएगा आइटम नेम शुगर कर लेते हैं, क्वांटिटी कर देते हैं 1 kg और प्राइस इसकी कर देते हैं 60 रुपीज़। देन इसको रन कराएंगे। अब ये हम कहते हैं यार कि ये इसका जो टेबल हेड है तो ये बोल्ड आना चाहिए। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे टेबल डाटा की जगह हम खाली TD की जगह TH इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर भी टेबल हेड आ जाएगा, यहाँ पे भी टेबल हेड एंड यहाँ पे भी टेबल हेड। देन सेव किया। अब इसको जिस टाइम हम रिफ्रेश करेंगे और ये देखें कि सामने रिजल्ट। इसी तरह हम इसकी 3-4 कॉपियाँ लेते हैं, जैसे कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया एंड सेव किया। यहाँ पे 002 कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं शुगर की जगह कर देते हैं ऑयल, ऑयल कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 200। सेव किया। देन ये आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं, कुछ भी समथिंग जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देन हम इसको कहते हैं यार एक फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, वो हम लेते हैं यहाँ पे
टेबल रो कॉलम बनाते हैं, इसमें टेबल हेड टी एच टैग इस वजह से लगाएंगे ताकि ये बोल्ड आए, नहीं तो हमें बाद में इसको बोल्ड करके बोल्ड का टैग लगा के भी हम बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये एक इजी वे है। देन इसको अब यहाँ पे कर देते हैं हम, हमारे पास क्या था सीरियल नंबर, और हम एक उसको करते हैं कि यहाँ पे करते हैं सिग्नेचर सिग्नेचर नहीं, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम टैग लगाते हैं टेबल हेड का, और यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्राइस आ गई। इसको कॉपी करके पेस्ट किया तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, सेव किया और ये टोटल अमाउंट आ गई। अब इसको यहाँ पे हम करेंगे कॉल्स कॉलम स्पैन, सी यू एल कॉल लिख के कॉल स्पैन आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और फिर इसको भी यहाँ पे करेंगे सी यू एल कॉल स्पैन, और देन यहाँ पे अगले 2 स्पैन कॉलम स्पैन, और ये करें। अब ये देखें, अब ये आ रहे हैं मिड में, तो इसको हम करेंगे यहाँ से टी एच को हटा के टेबल डाटा लगा देंगे, यहाँ से भी टेबल डाटा कर देंगे, और यहाँ से भी टेबल डाटा सेव, और इसको कर देंगे ओके। और अगर हमने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड का हम टैग लगा सकते हैं, और ये देखें यहाँ पे भी बोल्ड हो गया, और देन इसको यहाँ पे भी एक टैग लगाते हैं बोल्ड का, और यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग, देन ये भी। अब ये हमारा बन चुका है एक सिंपल सा, जिसे कहते हैं टेबल, के आपको अब समझ आ चुका होगा होपफुली, और आपको इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा भी हो पहुंचा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड सब्सक्राइब तो लाजमी है। ओके, थैंक यू।